हेलो गाइस, वेलकम टू री थ्री डिफाइन। सो पिछली वीडियो में आपने देखा क्या होता है 3D प्रिंटिंग, उसकी शॉर्ट हिस्ट्री, स्टेप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग, और हमने ये भी देखा कि क्या क्या टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स होते हैं। हमने एक बड़ी लिस्ट देखी और आज हम उन्हीं सब 3D प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन द आई बटन और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। पहले हम FDM प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे। FDM stands for Fused Deposition Modeling या Fused Filament Fabrication। ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला 3D प्रिंटर है और मार्केट में इजीली मिल जाता है। इस प्रिंटर में थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को मेल्ट करके प्री डिटरमाइंड पाथ पर डिपॉजिट किया जाता है। FDM के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला प्रिंटर है SLA, विच स्टैंड्स फॉर स्टीरियोलिथोग्राफी। ये भी एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिसे वैट पॉलीमराइजेशन या रेजिन 3D प्रिंटर भी कहते हैं। जैसे FDM में फिलामेंट यूज़ किया जाता है, उसी तरह SLA में UV सेंसिटिव रेजिन का यूज़ किया जाता है। इस UV सेंसिटिव रेजिन को UV लाइट से क्योर करके हार्ड बनाया जाता है। SLA की एक्यूरेसी FDM से बहुत अच्छी होती है और प्रिंट डिटेल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बट ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। फिर हम देखेंगे DLP। सो व्हाट डज DLP स्टैंड्स फॉर? DLP स्टैंड्स फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DLP और SLA में सेम कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है, जो है क्यूरिंग UV सेंसिटिव रेजिन। और दोनों में डिफरेंस ये है कि SLA में UV लेज़र बीम यूज़ किया जाता है, जबकि DLP में UV लाइट प्रोजेक्टर से एमिट किया जाता है। DLP में लाइट सोर्स एक ही जगह पे रहता है, जबकि SLA में लेज़र बीम XY एक्सिस में मूव करके रेजिन को क्यूर करता है। अभी हमने DLP और SLA में क्या फ़र्क होता है वो देखा, बट अभी के जो लेटेस्ट रेजिन बेस्ड प्रिंटर्स होते हैं उनमें MSLA का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसमें LCD स्क्रीन से UV लाइट एमिट करके रेजिन को क्योर किया जाता है। इस प्रोसेस में लेयर बाय लेयर मॉडल के क्रॉस सेक्शन के शेप में लाइट एमिट किया जाता है और धीरे धीरे मॉडल बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज गुड फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंप्लीट लेयर विद इन सेकेंड्स क्योर हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा लोग MSLA प्रेफर करते हैं कंपेयर टू SLA और DLP। फिर आते हैं SLS पे, जो होता है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। SLS 3D प्रिंटर्स में हाई पावर लेजर से पाउडर एक साथ फ्यूज करके 3D मॉडल बनाया जाता है। इसमें एज अ रॉ मटेरियल पाउडर्ड थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, जो ग्रैनुलेटेड फॉर्म में होता है। SLS में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और इम्पोर्टेंटली इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि उसका लेयर एडिशन बहुत अच्छा होता है। फिर अगला प्रिंटर है SLM, जिसका मतलब होता है सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग, जो SLS के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि SLS में पाउडर्ड थर्मोप्लास्टिक यूज़ किया जाता है, जबकि SLM में पाउडर्ड मेटल यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू मेक एंड यूजर प्रोडक्ट्स, फंक्शनल प्रोटोटाइप्स, मेडिकल प्रोस्थेटिक्स, और इसके और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं EBM की तरफ, विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग। इस मशीन में पाउडर्ड मेटल की एक लेयर बिल्ड प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट की जाती है, जो वैक्यूम में रखा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बीम से गर्म करके जोड़ा जाता है। ये टेक्निक लेज़र से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, जिसके कारण इसका पावर कंजम्पशन लो होता है, मेंटेनेंस भी कम होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है। फिर हम देखेंगे LOM प्रिंटर्स के बारे में, जो होते हैं लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पेपर, प्लास्टिक या मेटल शीट को फीड रोल से स्टैक पर निकाला जाता है और निचले लेयर पे गर्म रोलर से उसकी बॉन्डिंग की जाती है। एक ऑप्टिकल सिस्टम जो XY स्टेज पर माउंट किया गया है उस प्रोफाइल को ट्रेस करता है। इस प्रोसेस में फ्लेम और स्मोक भी जनरेट होता है, इसकी वजह से चिमनी और चारकोल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम चलते हैं बाइंडर जेटिंग की तरफ, जिस टेक्निक में बाइंडर को पाउडर बेड पर रिक्वायर्ड जगह पर डिपॉजिट किया जाता है और उन्हें कई परतों यानी लेयर्स में बॉन्ड करके सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में पाउडर्ड मेटल, सैंड और सिरेमिक का उपयोग किया जाता है। ये लो कॉस्ट 3D प्रिंटिंग मेटल पार्ट्स बनाने में बहुत यूज होता है। अब देखेंगे मटेरियल जेटिंग, जो एक तेज़ और एक्यूरेट प्रोडक्शन टेक्निक है।
इसमें लिक्विड पॉलीमर्स के बूंदों को स्प्रे करके यूवी लाइट से क्योर किया जाता है। यूवी लाइट से क्योर करके ये रेजिन सॉलिडिफाई हो जाता है, इससे एक लेयर बनती है। ऐसे ही लेयर बाय लेयर पार्ट्स बनते हैं। इस प्रिंटर को हाई एक्यूरेसी और स्मूथ सरफेस के लिए जाना जाता है। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स, और हम इसके आगे और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें 3D प्रिंटिंग के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप प्रिंटिंग।